रायबरेली में विधायक अदिति सिंह समेत कई जिला पंचायत सदस्यों पर हुए हमले के विरोध में कांग्रेसियों ने राज्यपाल राम नाईक को ज्ञापन दिया। उनसे अविश्वास प्रस्ताव की तिथि दोबारा तय करवाने और हमला करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने कहा कि राजनीति लड़ाई हारने पर भाजपा हिंसा पर आमदा हो गई है। कांग्रेस ने राज्यपाल को 13 मई को ही पत्र भेजकर अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के दौरान हिंसा की आशंका जता दी थी। हाईकोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए 14 मई की तारीख तय की थी। 52 में से 31 जिला पंचायत सदस्यों ने मांग की थी कि वे वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष पर भरोसा नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान करने से सदस्यों को रोकने के लिए हमला करवाया गया था, क्योंकि सभी जानते हैं कि एक बार अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय ना होने पर अगले एक साल तक इसे दोबारा नहीं लाया जा सकता। राज बब्बर ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष अवधेश सिंह के भाई दिनेश सिंह रायबरेली से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी वह MLC भी हैं। उन्होंने स्थानीय पुलिस और प्रशासन की मदद से सदस्यों को वोट करने से रोका। इसकी आशंका कांग्रेस ने पहले ही जता दी। मैंने आपसे कहा कि जो शासन और प्रशासन की सहारा लेके मदद लेके, क्योंकि ये अकेले विधान परिषद के सदस्य का या लोकसभा में बीजेपी के प्रत्याशी की हिम्मत नहीं हो सकती, उसके पीछे पूरा हाथ है शासन का। लखनऊ के में बैठे हुए तमाम उच्च पदों पर जो यहाँ पर बैठे हैं उनका वर्धस्त है, और साथ ही साथ प्रशासन के ऊपर दबाव है कि वो ऐसे लोगों के नाम लिख रहे हैं और ऐसे लोगों की तहरीर लिख रहे हैं जिनका किसी मुद्दे से इस केस से कोई लेना देना नहीं है।